गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, हमेशा बहुत अच्छे रहेगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। आज है 14 तारीख, रात के बज चुके हैं 8, 8:30 या 7, पता नहीं। इलू क्या टाइम हुआ है? 8 बज गए। डिनर मैंने बनाया नहीं है क्योंकि हमने सुबह इतना खा लिया कि आज भूख ही नहीं लग रही। इतना तो नहीं खाया लेकिन फिर भी यार भूख नहीं लग रही। मैगी अभी खाई थी शाम को 3:30-4 बजे। और ये मैं लगा रही हूँ मलाई और बेसन का अपन, क्योंकि सर्दियों में मेरी स्किन ड्राई है और सर्दियों में और ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो कोई फेस वॉश वगैरह से करो तो बहुत ज़्यादा मुझे खिंचाव सा महसूस होता है। तो मलाई वाला अपन लगा लेना चाहिए जिनकी भी ड्राई स्किन है। तो मलाई वैसे भी बहुत अच्छी होती है स्किन के लिए, बेसन भी बहुत अच्छा होता है, तो वो लगा रही हूँ। उसके बाद देखते हैं डिनर में क्या करेंगे क्या नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है। बस अपना काम कर, बालों पे भी लग गया तो बस ये लगा के अपना दूसरा काम करूँगी। व्लॉग स्टार्ट कर दिया है दूसरा वाला, बाकी दूसरा व्लॉग इनके मोबाइल पे है। तो चलिए हटाने के बाद आपसे मिलती हूँ। उपटन लगाने के बाद मैं जो है कपड़े समेट रही हूँ, क्योंकि लेट हमने मैंने सुखाए थे तो फिर सूखे भी लेट, तो रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, सर्दी हो गई थी, तो मैं अंदर ले आई थी। वैसे मैं बाहर ही समेट लेती हूँ। ईलू अपने अबेकस का काम कर रही है क्योंकि नेक्स्ट डे उसे मॉर्निंग में सुबह सुबह अबेकस जल्दी से जाना होता है, इस वजह से वो ये कर रही है। मैं बस कपड़े समेट रही हूँ, कपड़े समेट कर उनको उनकी जगह पर तय लगा के बस रख दूँगी, क्योंकि खाना आज बनाना नहीं था, वही चैलेंज वाला वीडियो किया था ना, तो इस वजह से खाना बनना नहीं था। तो इस वजह से बस ये हल्के फुल्के काम किए, बर्तन क्योंकि सुबह के रखे थे वो भी मैंने कर लिए थे, लेकिन डेली बर्तन साफ़ करते हुए क्या दिखाना, इस वजह से मैंने वो शूट नहीं किया। तो बस ये कपड़े साफ मतलब रख करके और बस ये साफ़ कर लूँगी। उपटन मलाई वाला उपटन ना ऐसे आराम से उतर भी जाता है, देखो लगा है और बस जस्ट उतर गया और मेरी स्किन ड्राई भी नहीं रहेगी। अरे एक दो बार ऐसा करने, वैसे मुझे लगता है कि मलाई से मैं काली हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा, लेकिन बट फिर यार बहुत ड्राई हो रही है तो इसलिए। हालांकि मलाई से काले होते ही नहीं है, गोरे होते हैं, लेकिन वो चिकनाई सी आती है ना तब मुझे ऐसा लगने लगता है, लेकिन यार झट से उतर जाता है, कोई वो भी नहीं करने की ज़रूरत। और यूँ यूँ रगड़ के उतारो तो सारा मैल भी उतर आएगा। तो बस उपटन को साफ़ करके मैंने गुलाब जल लगाया और एलोवेरा जेल लगा लिया। मलाई वाले उपटन से ना बहुत मतलब स्किन थोड़ी अच्छी होगी, वरना मेरी बहुत ड्राई हो रही थी। तो अब मैं लगा लूँगी, हेयर ऑयल कर लूँगी क्योंकि मुझे संडे था तो नेक्स्ट डे हेयर वॉश करने थे, इस वजह से हेयर ऑयल लगा लूँगी, रात भर लगा रहेगा। तो मैंने तेल देखो ढेर सारा लगा लिया क्योंकि कल मुझे बालों को वॉश करना है, और ऐसे छोटी बना ली। अब मुझे आजकल अच्छी लगती नहीं है, पहले जब मैं छोटी थी ना कॉलेज टाइम पे भी और बचपन में भी पूरी ऐसे ऐसे गूंथ के रखते थे ताकि हमारी बाल बन जाए, टूट बढ़ जाए और टूटे नहीं। तो आज पता नहीं ऐसे ही बना ली, लेकिन आजकल मेरे सर पे दर्द होने लगता है चोटी बनाने से। पहले मेरा लुक यही था पता है, बस हफ्ते में एक बार बाल धो के रूखे एक बार ही रखते थे, बाकी पूरे दिन तेल लगा के ऐसे रहते थे चोटी बना के। ये तो मैंने कम गूंथी है, ये लुक था कभी मेरा। अब ऐसी रहने लगी बचपन में, बचपन की बात कर रही हूँ। सो गाइस अभी 9:45 हो चुके हैं, ये आने वाले हैं और अब हम निकलने वाले हैं 10 रुपये का कुछ खाने पीने के लिए। कुछ भी बनाया नहीं क्योंकि ज़्यादा भूख नहीं है, तो थोड़ा सोचे हल्का फुल्का जो भी मिल जाएगा ना वो खा लेंगे, क्योंकि वो वीडियो भी कंप्लीट करनी है इसलिए। आज इन्होंने मरवा दिया 10 10 10 10 10 करके, तो वो वीडियो भी कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो हम लोग बस निकल रहे हैं, व्लॉग लगा के नीचे आ जाएंगे गाड़ी में, फिर अब मैं और इलू निकल रहे हैं, घर के कपड़ों में ही जा रहे हैं, बस गाड़ी में बैठे बैठे ही खा लेंगे। तो वो वीडियो कंप्लीट करनी है तो उसको करके आते हैं, ठीक है। सो गाइस 12:08 हो गए, मैं अभी सोई नहीं हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ और दोस्तों के साथ चैटिंग भी दिखाती हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ। बस जस्ट हो चुकी है एडिटिंग और बस अब एडिट करके सो जाऊंगी। देखा आपने एडिटिंग हो गई और 12:10 हो गए हैं, तो बस अब चेंज करती हूँ और उसके बाद सो जाऊँगी। तो गुड नाइट, कल फिर मिलते हैं, ये लोग सो चुके हैं।
तो ये है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग, झाड़ू पोछा बर्तन सब हो चुका था, इल्लू जाग चुकी थी अब बिकॉज ये ऑफिस जा चुके थे, खाने में बनाया था कद्दू की सब्ज़ी और पूड़ी। और यहाँ पे मैं मेथी साफ कर रही हूँ, मेथी ले तो आते हैं लेकिन मेथी जब आती है ना उसको साफ़ करने में इतना आलस आता है मुझे, पालक फिर भी हो जाता है लेकिन मेथी छोटी छोटी होती है ना उसको साफ़ करने में बहुत आलस आता है। मैंने वो जल्दी से साफ़ करने वाला ट्रिक भी अपना के देखा, आते उसमें कुछ पत्ते रह जाते हैं कुछ ऐसे, तो उतना ही टाइम लगता है तो मैंने फिर हाथ से ही साफ़ कर लिया। इसके बाद बस एक्स्ट्रा वाली सफाई कर रही हूँ, बालकनी बहुत दिनों बाद साफ़ करी क्योंकि ना गर्मियों में छिपकलियाँ रहती थी ना तो मैं जाती नहीं थी और हाथ भी कपड़े भी हाथ से ही धोती थी, मशीन भी मैंने बालकनी में ही रख रखी है, लेकिन अब सर्दियाँ आ गई तो छिपकलियाँ हो चुकी हैं गायब, तो मैंने सोचा बालकनी को साफ़ कर देते हैं। वैसे इसमें कूलर रख रखा है तो ये फंस चुकी है, वैसे गर्मियों में दोनों ही यूज़ लेने पड़ते हैं ना, एसी चलता है वैसे तो लेकिन कूलर भी लगा रखा है तो इस वजह से ये फंसी हुई। पहले मैंने यहाँ पे पौधे लगा रखे थे बालकनी में और बहुत ज़्यादा हरे भरे हो रहे थे, अभी तो मेरे सारे पौधे जल गए, भाई की शादी में 8 दिन जो गई ना मैं, सब कुछ जल चुका है। तो बस यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लीनिंग में बस वही ये भी साफ़ कर रही थी, ये कहते हैं ना ये वाइट वाली चीज़ है सीढ़ियाँ हैं तो बस वो गंदी बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर ये जब शेविंग करते तो कांच भी डेली इतना गंदा करते तो उसको भी साफ़ करना था, वॉश बेसिन को भी साफ़ करना था। फिर मैंने सोचा आज जो है बाथरूम को भी जो नीचे की टाइल्स हैं वो क्लीन कर देती हूँ, तो बस यही एक्स्ट्रा काम लिया था क्योंकि नहा तो सुबह ही ली थी, खाना वाना भी सब बन गया था तो फिर बाल तो मुझे वॉश करने ही थी, तो मैंने सोचा बाल वॉश करने हैं तो उससे पहले ये सारी सफाई कर लूँ तो अच्छे से वापस से नहा लूँगी ये सब करके, क्योंकि नहाना तो पड़ता ही है जब बाथरूम वगैरह साफ़ करते हैं तो नहाना तो पड़ता ही है, तो फिर मैंने सोचा पहले ही साफ़ कर लेती हूँ तो बाल वॉश करने हैं तो ये सब भी हो जाएगा साथ में, तो बस वही कर रही हूँ। फिर मैं और इलू जो है दोनों वापस से नहा लिए थे, इलू भी सुबह नहा के गई थी लेकिन मुझे बाल उसके धोने थे क्योंकि मैं धोती हूँ तभी उसके साफ़ होते हैं, वैसे वो धो तो लेती है तो एक बार हेयर ड्रायर में कर देती हूँ क्योंकि सर्दियाँ है ना वैसे करना नहीं चाहिए, ख़राब हो जाते हैं बाल लेकिन सर्दियों में हमें बहुत ज़्यादा जुकाम हो जाता है। गाइस मैं इतना थक गई हूँ ना कि मैं लेट गई हूँ क्योंकि इतना काम किया और रात को सिर्फ 3 घंटे सोई क्योंकि एडिटिंग करते करते फिर 1:30 बज गए थे और 1:30 बजे जब काम खत्म हुआ तो 2 बजे सोई, 2 बजे सोई तो फिर मैं 5 बजे उठना पड़ता है मुझे, तो 5 बजे उठ गई, बैक पेन हो रहा है इतना काम कर लिया। तो एक सवाल का मैं 2-3 जिन लोगों ने पूछा था कि डैंड्रफ के लिए उपाय बता दी, तो डैंड्रफ के लिए मुझे जितना पता उतना बता देती हूँ कि नारियल का तेल होता है ना पैराशूट ऑयल, उसमें आप एक नींबू का रस मिला लीजिए और फिर उसे लगा सकते हैं ठीक है, और फिर आधे एक घंटे बाद सर को धो लीजिए, ज़्यादा देर तक नहीं लगाना है। ऐसे ही आप सरसों के तेल में भी नींबू का रस मिला करके लगा सकते हैं और फिर उसको भी थोड़ी देर बाद शैम्पू कर लीजिए, और एक नारियल के तेल में जो है ना कपूर जो होता है ना कपूर उसको मिला लीजिए, कपूर का पाउडर होता है ना, फिर उसको लगा लीजिए और कुछ देर बाद धो लीजिए तो उससे भी डैंड्रफ की समस्या दूर हो जाती है। एक होता है कि मेथी का पैक मैं कई बार बोल चुकी हूँ, दाना मेथी को रात में भिगो दो और फिर उसका पैक बना लो पीस कर और फिर उसको लगा लो और थोड़ी देर लगा करके आधे घंटे में बालों को शैम्पू कर लो, और दही दही लगा लीजिए, रूसी है तो दही से भी रूसी ख़त्म होती है और बाल भी मुलायम होते हैं, प्राकृतिक कंडीशनर होता है। एक तो और चीज़ें याद आई, हाँ नीम के पत्ते और तुलसी के पत्ते होते हैं ना उनको आप पानी में डालिए और फिर खूब सारा उबाल लीजिए, उबालने के बाद फिर पानी जब आधा रह जाए ना तो उस पानी से बाल धोइए तो उससे भी रूसी ख़त्म होती है। और नीम का पानी यूज़ नहीं करना चाहते तो आप नीम के पत्तों को में पानी मिलाकर नीम का पेस्ट बना लीजिए और उस पेस्ट को लगा लीजिए बालों में और फिर है ना उसको फिर थोड़ी देर बाद शैम्पू कर लीजिए, तो इससे भी रूसी में जो है राहत मिलती है। तो बालों के लिए वही चीज़ें हैं, प्याज लगा लिया या ऐसा कुछ लगा लिया तो इससे डैंड्रफ होते होते हर चीज़ कहते हैं ना होते होते ख़त्म होती है, तो ऐसे थोड़े ट्राई करते रहिए तो ख़त्म हो जाएगा डैंड्रफ। वैसे मेरे डैंड्रफ की कभी समस्या मुझे रही नहीं तो मुझे इतना पता नहीं है क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं थी डैंड्रफ वाली, मुझे नहीं थी बिल्कुल भी समस्या। तो आप ये सब कर सकते हैं, और कुछ भी आप लोगों को पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा। एलोवेरा जेल भी, एलोवेरा फ्रेश एलोवेरा ले लो या एलोवेरा जेल लो और उसे लगा लो बालों पे, धोने से जब बाल धोने हो ना उससे पहले 10-20 मिनट लगा लो, उससे भी रूसी ख़त्म होती है। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिससे बालों को बहुत फ़ायदा पहुँचता है, तो आप ये सब ट्राई कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं भून रही हूँ सूजी को, क्यों भून रही हूँ, 2 कटोरी जो है या 3 कटोरी अपना भून के रख रही हूँ, क्यों भून रही हूँ वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। कुछ करने का मेरा मन है, भले ही थोड़ा सा करूँ लेकिन ऐसा कुछ करने का मेरा मन है, तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा बस आप लोग से बात कर लूँ, आज रेसिपी कोई नहीं दे रही हूँ
और तो मैंने सोचा बात कर लेती हूँ। एक चीज़ और कि आप लोग को अगर कुछ ऐसा उम्मीद है कि बहुत कोई पार्टी वार्टी होने वाली, कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या होने वाला है, क्या सरप्राइज रहेगा शेयर करना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बर्थडे में बस नॉर्मल तरीके से, ये रात को 15 तारीख है आज, रात को 12 बजे केक ले आएंगे, कोई गिफ्ट दे देते हैं, बाहर घुमाने ले जाते हैं, बाहर खिला देते हैं, छुट्टी ले लेते हैं, ऐसा कुछ कर रहे थे। बहुत कुछ खास होने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप कुछ ज़्यादा उम्मीद मत कीजिएगा। मैं भी उम्मीद नहीं करती, क्योंकि जब हम उम्मीद किसी से लगा लेते हैं ना तो हम खुद ही दुखी होते हैं, तो मैं किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं करती हूँ। बट हाँ, एक चीज़ मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ, आप लोग जब मुझे अपना पूरा दिल खोल कर मुझे बता देते हैं ना अपनी सारी बातें, तो मेरा मन भी हो रहा है कि मैं एक चीज़ आपसे शेयर करूँ, जो मैं सोचती हूँ या एक फिल्मी ख्वाब, फिल्मी जैसा ख्वाब लेती हूँ मैं, वो आपसे शेयर करूँ। ऐसा मेरे साथ हो, ऐसा मैं एक चीज़ सोचती हूँ कि भाई मेरे हस्बैंड हैं, मेरे बर्थडे में क्या करें कि एक बड़ी सी पार्टी रखें, बहुत फिल्मी है, बस एक खुली आंखों का ख्वाब है, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी सी पार्टी रखें, फिर एक वाइट झिलमिला किसी साड़ी लेके आए और फिर मुझे पहन के बोलें कि चलो फिर आंखें बंद करके लेके जाएं और फिर खोलें तो खूब सारी एक बड़ी पार्टी हो, फिर धुआं हो रहा हो, फिर बलून पास में हो, तो ऐसा कुछ हो। लेकिन वो एक ये सब, लेकिन ये सब ना रियल लाइफ में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता है, मैं जानती हूँ। इसलिए मैं कोई उम्मीद करती ही नहीं हूँ, किसी से कोई उम्मीद नहीं है मेरी। और एक चीज़, एक और चीज़ है मेरे दिल में, जो मैंने जो भी मैं किसी से शेयर नहीं की आज, बहुत मैंने अपनी सिस्टर से ज़रूर बोला, आज आप लोगों से शेयर करती हूँ। आज एक दो ऐसी बातें हैं जो मैं अपने दिल की आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, दिल के अंदर की, कि शादी के बाद से मेरे मम्मी पापा कभी मेरे बर्थडे पे नहीं आए, तो मेरा ऐसा मन होता है कि कभी कभी वो आके मेरे घर वाले मुझे सरप्राइज़ दें मेरे बर्थडे में, क्योंकि मैं शायद कभी महसूस करती हूँ। तो हर 15 तारीख को मैं 12 बजे ज़रूर से रोती हूँ, ये लाते हैं गिफ्ट, केक लाते हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कमी महसूस होती है, तो मैं थोड़ा सा दुखी हो जाती हूँ। 17 तारीख के बाद मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हूँ, बट 16 तक मैं अपने आप को थोड़ा सा कमज़ोर महसूस करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा भी आके मुझे सरप्राइज़ दें, बट वो भी बहुत बिजी है, नहीं आ सकते। तो बस ये दो बातें मेरे दिल की थी, तो मैंने आपसे शेयर की। आगे जो आगे व्लॉग है मैं यहीं पे एंड करती हूँ, नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो मिलती हूँ एक और न्यू व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा ज़रूर से बन जाएगा। बाय बाय।